Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बहुत कहने के बाद भी वो लोग रास्ते से नहीं हटे तो हमें घूम कर आना पड़ा, इसलिए यहाँ पहुंचने में 15 मिनट देर हो गए। अरे लेकिन इससे क्या साबित होता है? 15 मिनट की देरी हो, आधे घंटे की देरी हो या 1 घंटा देर से आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भीमराव। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत भीमराव से सवाल करेगी, तुम नहीं। लेकिन इस घटना का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है, सड़क को पंचायत घर बनाने से एक व्यक्ति के 15 मिनट बर्बाद हो गए। तो सोचिए ना सर, कॉलेज को अदालत बनाने से क्या यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर, पढ़ाने वाले अध्यापकों के ऊपर उसका असर नहीं होगा? सड़क रुकने से इतनी दिक्कत होती है, कॉलेज रुकने से कुछ परेशानी नहीं होगी? भीमराव, तुमने बहुत सही बात कही है। और सर, सच कहूं तो इस कॉलेज में मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करता हूं कि मुझे आगे जाकर नौकरी करनी है। पढ़ाई मेरे लिए एक साधना के समान है, जिसके पूर्ण होते ही मैं अपनी जात की बेड़िया, बड़े लोगों के रूखे व्यवहार की कड़वाहट, सब कुछ तोड़ना चाहता हूं। और किसी की पवित्र साधना खंडित नहीं की जानी चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अंग्रेजी अधिकारी साहब उनकी जांच कायम रखें, क्योंकि हम तो गरीब दबे कुचले लोग हैं सर, छोटे लोग हैं। हमारे पास कुछ कर दिखाने का एक ही रास्ता होता है, और वो है अपने काम को साधना की तरह देखना। बाकी लोग, समाज तो साथ नहीं देता है, बस यही उम्मीद है कि अदालत साथ देगी। आपको कुछ कहना है? देखो देखो, अब राम जी अपने बेटे को प्रवचन देगा, बड़ी बड़ी बातें कहेगा और ऐसे समझाएगा जिससे लगेगा आज ये भीमराव को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना कर कहीं रहेगा। और इसका बेटा भीमराव वैसा बनेगा। सही है। क्या है, ये सब जुमले तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन यू इनके लिए ये बातें नहीं है। सर, यू विल एंजॉय दिस। रियली? या। राम जी, स्टार्ट। गवार। शुरू हो जाओ। राम जी, सोच क्या रहा है? हाँ, समझा अपने इस समझदार बेटे को? बेटा यतीम अक्सर अपने जीत के साथ रहता है और अपनी हार से भागता है। तुम्हें याद कर लो, जब जब तुम्हारी जीत हुई तुम यहां सबके साथ थे, चाल में सबके साथ खाना खाया,
खुशियां मनाई, जो जो तुम्हारे विरोध में थे वो तुम्हारे सामने खड़े थे, और आज तुम हार गए तो तुम कमरे में जाकर बंद हो गए। ये कभी मत करता। देखो भीम, ये भी याद रखना कि अपनी जीत के बाद, अपने हार के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसी होती है। इससे प्रेरणा मिलती है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए, कई बार आत्मबल मिलता है। देखो, इन सब की आंखों में तुम्हारी हार का जश्न। भीमराव, हमें तुमसे बात करनी है। जी बताइए। तुम्हारी चिट्ठी महाराज को मिली, चिट्ठी पढ़कर महाराज को लगा कि तुम अदालत में जीत जाओगे, लेकिन तुम हार गए। तुम्हारी हार को लेकर उनको लगा कि जितना आकलन उन्होंने तुम्हारे प्रतिभा को लेकर किया था वो गलत था। क्योंकि जो अभी से नुकसान देता हो वो बाद में बड़ा नुकसान दे सकता है। इस साल की तुम्हारी पढ़ाई की फीस छात्रवृत्ति से भरी जा चुकी है, और उसके बाद के 2 साल की फीस छात्रवृत्ति से नहीं भरी जाएगी। और महाराज ने कहा है तुमसे आगे की छात्रवृत्ति छीनी जाती है। वाह! वाह! देर आए दुरुस्त आए, महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। वैसे बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। हाँ, अरे जिन लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए उन्हें महाराज छात्रवृत्ति दे रहे हैं। आपने हमको यह गुड न्यूज सुनाकर हमारे इस फंक्शन के एंजॉयमेंट को डबल कर दिया। आइए आप भी हमारे इस फंक्शन में एंजॉय कीजिए। नहीं, अब महाराज का संदेश लाए इसलिए हम जश्न में शामिल नहीं हो सकते। इट्स ओके। मंत्री साहब, मेरे पति से छात्रवृत्ति मत छीनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपसे निवेदन है, अब राजा लोग हैं, आप लोग के लिए छात्रवृत्ति के पैसे चंद मुद्राएं हैं, लेकिन भीमराव के लिए उनकी सांसें। ऐसा मत कीजिए। राम जी, हमारी आंखों में बाद में झांक लेना, पहले यहाँ आ गया। इनके हाथ पैर जोड़, पैरों में गिड़गिड़ा, बड़ा रोना धोना कर। अरे मेरे पति हारे नहीं है, वो आपके खिलाफ केस लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे तब तक कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है। तेरा ये पति कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तू बीच में कूद कर जरूर बोलेगी। सही कह रही है वो, और वो ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि वो मेरी पत्नी है, अच्छे से जानती है मुझे। और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मंत्री जी, मैं महाराज के जवाब का इंतजार करूंगा। आप मेरा यह सवाल उन तक पहुंचा दीजिएगा और उनका जवाब भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, जो भी जवाब होगा मैं कल शाम तक तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। धन्यवाद। चलो।
एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, मैं अभी हारा नहीं हूं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं आगे भी लड़ूंगा और इस लड़ाई के लिए आप सब भी तैयारी कीजिए। हम तैयार हैं, तैयार हो गया, लेकिन अब तुम तैयारी करो। तुमको हराने के बाद इसी जगह पे हम इससे भी बड़ा फंक्शन मनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? गुड नाइट। थैंक यू। भीमराव छोड़ दो, छोड़ दो छात्रवृत्ति की उम्मीद। अरे राजा का मंत्री है, कुछ भी कहता रहता है। और तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख। अब क्या करने आएगा वो यहां, हाँ बताओ। इस देश का राजा महाराजा कब से टाइम का पाबंद होने लगा? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वडोदरा के राजा सयाजी महाराज समय के पाबंद थे, हैं और रहेंगे। क्या कहा महाराज ने? हम चलते हैं। अच्छा, हमें एक ही केस में दो बार भीमराव को हराने का मौका मिलेगा। भीमराव, अरे इस बार तू हार गया ना, तो समझ ले कि तेरी छात्रवृत्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और इसी छात्रवृत्ति के साथ साथ खत्म होगा तेरा पढ़ाई का सपना भीमराव, समझा? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब देखते हैं भीम कितना पढ़ पाता है इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। आई, अब जिन्हें बड़ा होकर बैरिस्टर बनना है उसका चक्कर कोर्ट कचहरी से तो लगेगा ही ना। ये दूध पी लीजिए, वो इतने बड़े और महान राजा होकर आपको नहीं समझे कि आपकी गलती नहीं थी। फरमान सुना दी कि एक तो केस जीतो, नहीं तो छात्रवृत्ति छोड़ दो। ये गली मोहल्ले के लोग आपको नहीं समझते तो समझ में आता है, लेकिन वो महाराज होकर आपको नहीं समझे।
ऐसा नहीं है, वो राजा है, बहुत बड़े हैं हमसे, हमेशा दया भाव में नहीं रह सकते। मैं कमिंग सर। आओ। सर मैंने ये फाइल तैयार की है। इस फाइल में मैंने लिखा है कि कैसे ये केस मैं जीत सकता हूं, आप एक बार देख लीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है भीमराव इसमें कितना बड़ा रिस्क है? लेकिन सर केस जीतने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज जो कागज पे लिखी है वो ऐसे नहीं हुई। तो तुम्हारी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए तुमसे छीन जाएगी, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तुम। मुसीबत में तो फंस गया ही हूँ सर, अब इस मुसीबत से ही बाहर निकलना है, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। और आपने कहा था ना बहस में कि भीमराव क्या तुम लिख कर दे सकते हो कि कॉलेज शुरू होने के बाद कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी? मैं आपको लिख कर देता हूं सर, ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। आप बस कॉलेज खोलने की तैयारी कीजिए। एक बार फिर सोच लो भीमराव, तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता, हम पांच तक गिनते हैं तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा ना ही यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। गुरुजी छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा, हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। हम देखते हैं कि तू यहाँ बंबई में भी कैसे पढ़ता है। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़िए, आगे भी लड़ना, कितनी भी मुसीबतें आए बस डटते रहना। भाई तेरा भीवा इतना बड़ा जोखिम ले रहा है, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई की इस लड़ाई को जीत सकूं। यही तो खासियत है भीमराव की। भीमराव बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो उसे, क्यों अपनी व्यक्तिगत खींच और ईर्ष्या निकाल रहे हो? मैं आपका दोस्त हूं इसलिए कह रहा हूं। नो नो नो, तुम हमारा दोस्त नहीं है, इस समय तुम वकील है और फीस भी ले चुका है, इसलिए माय डियर वकील जो कह रहा हूं वो ही करो। के लिखे हुए इस लेटर को अदालत में पेश करो और कॉलेज को खुलवा दो। अभी तो हम 4-6 महीने के लिए कॉलेज को बंद करवाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए भीमराव को लेसन मिल जाएगा और उसका पढ़ाई छूट जाएगा। स्टीफन जाने दो ना। ना। अब तो वही होगा जो हम चाहता है, अंडरस्टैंड? और उस अंग्रेज ऑफिसर के ऑफिस के बाहर जाकर उसका इंतजार करें। जब वो ऑफिसर अपने ऑफिस से निकलकर कॉलेज की तरफ जाएगा तब उस पर हमला करना है, ताकि ये पूरा मामला
कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तुम सब लोग अच्छे से समझ गए हो ना? जी प्रेसिडेंट, समझ गए ना। जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही करेंगे हम। उस ऑफिसर के ऑफिस से लेकर कॉलेज तक हम सब अलग अलग जगहों पर खड़े रहेंगे। जैसे ही वो ऑफिसर ऑफिस से निकलेंगे और कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे और हमला कॉलेज के नजदीक ही होगा। वो लोग तो यही चाहते हैं कि ऑफिसर को ऐसा ही लगे कि हिंसा कॉलेज से ही कोई कर रहा है। ठीक कह रहे हो भीम, हम वैसे ही करेंगे जैसे कि तय हुआ है और कल जीत हमारी ही होगी। ऐसे कैसे जीत जाओगे भीम? मैं अभी जाकर प्रचंड देव को बता देती हूँ कि कल से तुम्हारी पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म। चलो सब लोग खाना खा लो। जीजा भाई खाना परोस दो। बाला तुम्हारी पत्नी की चूड़ियों का नाप क्या है? उजाला रमा को बता देना। पर क्यों बाबा? तुमने तो अपना धर्म निभाया नहीं, लेकिन हम तो अपना धर्म निभाना जानते हैं। तुमने शादी की लेकिन हमें बताया नहीं। कोई बात नहीं, रमा और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी से मिलने जाएंगे। तो चूड़िया देने की परंपरा। भैया मैं भी इन लोगों के साथ चली जाती हूँ, मेरा तीनों बहुओं को एक साथ देखने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ मेरा बिल्कुल चले जाना। जीजा भाई क्या हुआ, खाना मिलेगा या नहीं? जीजा भाई। बाबा मैं खाना परोस देती हूँ, और बाला भैया आप खाना खाकर ही जाइएगा। वो मैं थोड़ी टहलने निकल गई थी, ऊप सी हो रही थी घर में। अच्छा कोई बात नहीं जी सब भाई, लेकिन इत्तफाक तो देखो, जिस रास्ते पर तुम टहलने के लिए जा रही हो वो रास्ता प्रचंड देव के घर की तरफ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं। खैर मैं तुम्हें यहां डांटने या समझे नहीं आया, बल्कि तुम्हारा खाना लेकर आया। आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। चल आज। खड़ी क्यों? आओ चलो। आ रही हूं मैं। दूध औकात है? वैसे ये दूध बूध लेके कहां जा रही है? वैसे भी तुम लोगों के मातम के दिन शुरू होने वाले हैं। मातम के दिन नहीं, खुशी के दिन आने वाले हैं, और उसी खुशी में ये दूध लेकर जा रही है। खीर बनाऊंगी, और हाँ खुशी के दिन इसीलिए क्योंकि मेरे पति के जीत की खबर आने वाली है। उस भीमराव ने तुझे भी बेकार के सपने देखना सिखा दिया है ना? लेकिन शायद तुझे पता नहीं, बता देते हैं कि हम उस बेवकूफ भीमराव से बहुत ज्यादा तेज है, और आज कॉलेज खुलने के बाद कैसे बंद होता है वो देखना, और ये भी देखना कि कैसे तेरा पति भीमराव फंसेगा। देख दीजा। अंग्रेजी अधिकारी का बाल भी बाका नहीं होगा, पर उनको अगर पता चल गया जिन्होंने हमला किया है ना कि वो आदमी आपके है, तो जरा सोचिए आपका क्या होगा।
अब भाग के कहां जाओगे? वकील साहब प्रणाम। बस इसी बात का डर था मुझे। इस भीमराव की वजह से सर पर फिर हमला हुआ, देखा आपने। नरोत्तम जोशी, नतीजे तक पहुंचने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले देखने तो दीजिए ये लोग है कौन। आप ही के दोस्त है ना? क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता है कि इतनी रात को तुम लोग इधर क्या कर रहा है? कॉलेज के किसी भी चार छह लड़कों को पकड़कर उनका पिटाई करा, उसके बाद हम भीमराव पर 300 भड़काने का केस दर्ज कर देगा। शर्म नहीं, शर्म नहीं आई तुम तीनों को? पता है ना कि कितने आदरणीय हैं सब मेरे लिए। इन पर हमला किया, इन पर गौतम कैसे नालायक लोगों को दोस्त बना रखा है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो साहब, सर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं भी आपके जैसा बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं। मुझे पता नहीं ये सारे लोग पढ़ाई के महत्व को समझते हैं या नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं आज जहां आप हैं, वहां अगर पहुंचना है तो बिना पढ़ाई किए नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हमारा यह कॉलेज बंद मत करवाई। ये मेरे आपके हार या जीत का सवाल नहीं है सर, सवाल बस इतना ही है कि मुझे मेरी छात्रवृत्ति बचानी है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ते रहना है। वाओ, नाइस टेस्ट। इसमें क्या क्या डाला है? सब, सिर्फ प्यार। जैसे छोटी जात के लोग, उनके पास प्यार के अलावा कुछ नहीं होता है। अब तो जब भी खीर खाने का मन करेगा भीम के पास ही आएंगे। Why not? जरूर सर, आप दोनों का तो हमेशा यहाँ स्वागत ही होगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। आज एक बात समझ आ गई रमा, इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। देखो, पहले वो जो आपके विरोधी हैं, दूसरे वो जो आपका साथ देते हैं, और तीसरे वो जिन्हें अगर अच्छे से समझाया जाए तो वो आपके साथ ही जरूर बनते हैं। ये अंग्रेजी अधिकारी और वकील साहब तीसरी तरह के लोगों में आते हैं। मतलब तीसरे तरह के लोग
हमारे साथ रह भी सकते हैं और हमारे घर की खीर भी खा सकते हैं। बात खीर खाने की नहीं है रमा, हम छोटी जात और बड़ी जात के बीच एक गहरी खाई है, बहुत गहरी। आज की यह घटना उस गहरी खाई में एक मुट्ठी मिट्टी डालने के बराबर है। तुम देखना, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसे ही एक एक मुट्ठी मिट्टी इस खाई को पाट देगी। मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है, एक दिन आपके प्रयासों से ये जरूर होगा। कितना अच्छा होगा ना, तब ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक बराबर होंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।